1, 2, 3. हेलो गाइस, वेलकम टू रचन। और मैं आपको एक ऐसे पार्क के बारे में बता रहा हूँ जो दिल्ली में बहुत कम लोगों को ही पता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग कपल्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे देखने को, और फैमिलीज भी यहाँ पे आ सकती है। और ये सरोवर के आसपास है एरिया में है, जो निंगाई सरोवर कहा जाता है, ठीक है। और ये मेरा एक फ्रेंड है विजय, जो मेरी हेल्प कर रहा है इस वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, मेकिंग के लिए। और देखते हैं इस पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो लेट्स गो। मैं आ गया हूँ पार्क में, कॉन्वेंशन पार्क में मैंने एंट्री कर लिया। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेन गेट इसका, और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है, आपको मिल जाएगा पार्किंग की सुविधा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये है आपका पूरा कॉन्वेंशन पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। पार्किंग एरिया जहाँ पे पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, जैसे आप पीछे देख सकते हैं पीछे बाइक्स खड़ी हैं। और अगर आप कार में आते हैं तो थोड़ा सा आपको 2 और 3 पार्किंग और है पीछे, वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं, ठीक है। और पार्क में एंट्री आप फ्रंट से कर सकते हैं, पर चाहे तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह है जाने की, पर हम जब पार्किंग के पास से जाके एंट्री करेंगे, जो मेरे पीछे बैक साइड से। गाइस, ये है पार्क का पूरा व्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पार्क में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि यहाँ मैं आंखों से वो चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपको जो दिखाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मॉर्निंग में ही आए, क्योंकि दिन में होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कपल्स लोग आते हैं सिर्फ। इस टाइम पार्क के बिल्कुल सेंटर में, और मेरे पीछे एक पिलर है, और मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ के लिए है, लेकिन कपल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आसपास। कैमरे में सारा आपको दिखाई ना दे, पर आंखों से मैं देख पा रहा हूँ। और थोड़ा सा हम चलते हैं इसके आगे, मैंने देखा यहाँ पर कुछ सीन्स भी अच्छे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। कुछ बी बॉइंस के लिए कुछ स्टंट वगैरह जगह बनी हुई है अच्छे से कुछ, तो देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। बता रहा था बीबॉइंस के लिए एक प्लेस है यहाँ पर, जैसे मैंने सुनने में आया था, तो वही मैं आपके पास यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ है आपका बीबॉइंग का स्टैंड, यहाँ पर लोग डांस वगैरह करते हैं शाम के टाइम, इवनिंग में शायद यहाँ पे स्टंट्स वगैरह चलते हैं बहुत सारे। और पार्क के लिए काफ़ी अच्छा व्यू यहीं से दिखेगा आपको, मेन मिडल आपको यही है आमने सामने का आसाम, ठीक है। और जिस तरफ इस तरफ जैसे आप देखेंगे तो ये है पूरे जंगल एरिया, ठीक है। यहाँ पे अंदर अब क्या होता है कुछ नहीं पता मेरे को भी, और ना मैं यहाँ जाना चाहता, ठीक है। अपने पास इतना नहीं है कि वहाँ पर हम जाएँ, और ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लेस थोड़ा पास में, आ जाओ जरा ऊपर। तो डांस की बात आ गई है, तो पहले मैं आपको थोड़ा कुछ स्टंट वगैरह दिखाता हूँ अपने, जो मैं बहुत पहले किया करता था। तो जैसे कि सोचा है मैंने यही करने के लिए, तो चलो लेट्स डू इट। तो गाइस, काफ़ी मस्ती वगैरह हो गई है, तो चलिए मैं आपको पार्क के बिल्कुल ऑल ओवर डिटेल के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह तो भाई मेरे को मिला नहीं, ठीक है, तो आप झाड़ियों का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और अगर आप पार्क में एंट्री कर रहे हैं बाइक वगैरह से आते हैं, तो अपने साथ RC और लाइसेंस लेके आएँ, कई बार यहाँ पुलिस वाले मांगते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और कपल्स एंट्री में खासकर मांगी जाती है ये चीज़। और बाकी यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों के लिए व्यूज़ अच्छा है, बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए कुछ पार्क वगैरह बना हुआ है, छोटा सा झूले वगैरह हैं, तो वहाँ पे बच्चे झूल सकते हैं। बाकी बड़ों लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक है यहाँ पर करने के लिए, योगा वगैरह कर सकते हैं, स्टंट्स हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी अच्छा है व्यूज़, और ख़ासकर यही मैंने देखा कि यहाँ पर युवा पीढ़ी ज़्यादा है, और ओल्ड जनरेशन खैर मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पर अभी तक, छोटे मोटे लोग तो मेरे को सारे यही दिख रहे हैं। और चलिए, तो काफ़ी चीज़ें हो गई यहाँ पर, और चल ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ पे वजीराबाद से
और आ सकते हैं। और इस साइड रिंग रोड पड़ता है पूरा मकनपुर का हाईवे, इससे आप आ सकते हैं। पीछे आप जीटीबी नगर आपका पड़ता है एरिया, वहाँ से आप अंदर सरोवर निरंकारी सरोवर कॉलोनी, ठीक है, यहाँ से आप अंदर से एंट्री कर सकते हैं। और ये आपको बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, यानी निरंकारी एरिया के अंदर ही आपका ये सरोवर पड़ता है। ठीक है गाइस, आज के इस वीडियो का सफर हमारा यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टिल देन बाय।